बारिशों का मौसम अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और अब सर्दियों का मौसम आने वाला है। लेकिन सर्दी आने से पहले सितंबर अक्टूबर में हमें अपने गार्डन को सर्दियों के मौसम के फूलों के लिए तैयार करना है। सितंबर अक्टूबर में ट्रांजिशन का पीरियड होता है जिसमें हम बीजें लगा सकते हैं, पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अपने गार्डन को तैयार कर सकते हैं। अपने गार्डन को विंटर फ्लावरिंग के लिए तैयार करने के लिए हमें अच्छी बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए धूप भी बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी ज़्यादा धूप आए, फुल सनलाइट आए, जैसे कि 6 से 8 घंटे की धूप हो तो आपकी बालकनी या छत पर तो बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं। लेकिन तब क्या करें जब बालकनी में 3 से 4 घंटे की धूप आती हो, तो क्या ऐसे में फ्लावर्स खिल सकते हैं? बिल्कुल, 3 से 4 घंटे की धूप भी मिले तो भी फूल खिलते हैं। तो हम कौन से फ्लावर्स अपने बालकनी में लगा सकते हैं, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। बालकनी में अगर सिर्फ 3 से 4 घंटे की धूप आती है तो हम कौन से फूलों के पौधे सितंबर अक्टूबर में उगा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी शॉप से बीजें खरीदने चाहिए। विंटर फ्लावरिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। सितंबर अक्टूबर बेस्ट टाइम होता है विंटर सीड्स को लगाने के लिए, बीजों को लगाने के लिए। जर्मिनेशन रेट अच्छा होना चाहिए। उसके लिए पॉटिंग मिक्स में हमें 70% वर्मी कंपोस्ट और 30% रेत या कोकोपीट ले सकते हैं। इनको अच्छे से मिलाकर पॉटिंग मिक्स बनाकर इनमें बीजें लगा सकते हैं। 15 से 20 दिनों में सीडलिंग्स 3 से 4 इंच तक ग्रो हो जाती हैं। उसके बाद आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जब पौधा ट्रांसप्लांट करे तब हम पॉटिंग मिक्स कौन सी यूज़ करें, तो उसमें 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और इसमें 20% फाइन सैंड यानी नदी की रेत जो मिलती है वो ले सकते हैं और 50% सॉइल गार्डन सॉइल हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका गमला कम से कम 6 इंच गहराई वाला हो जिसमें उसमें नए पौधों को लगाने के बाद उसकी जड़ें अच्छे से फैल सके और पौधा इजीली ग्रो हो सके। तो चलिए अब जानते हैं कि हम सितंबर अक्टूबर में कौन से फूलों की बीजें लगा सकते हैं जो 3 से 4 घंटे की धूप में अच्छे से फ्लावरिंग करें। तो सबसे पहला है पैंजी। पैंजी को फुल सनलाइट से पार्शियल सनलाइट में रख सकते हैं। पैंजी को ग्रो करने के लिए कूलर टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है। आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं अपने गार्डन में जहां पर उसे सुबह की धूप मिले। 2 से 3 या 3 से 4 घंटे की धूप काफ़ी है इसके लिए। दोपहर की धूप से उसे बचाएं। इसके बहुत ही खूबसूरत फूल और अलग अलग रंगों में फूल आते हैं। तो आपके यहाँ पर 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती हो तो आप पैंजी का पौधा ज़रूर लगा सकते हैं अपने गार्डन में। नेक्स्ट आप लगा सकते हैं सिनरेरिया को। सिनरेरिया को भी हम पार्शियल शेड में उगा सकते हैं। इसे आप गार्डन में ऐसी जगह रखें जहां पर पार्शियल शेड हो। वैसे फ्लावरिंग पौधे शेड को पसंद नहीं करते हैं लेकिन सिनरेरिया अलग पौधा है, उसे पार्शियल शेड की ज़रूरत होती है। अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप मिल जाए तो भी ये खूब फ्लावरिंग करेगा। सिनरेरिया में भी बहुत ही सुंदर रंग के फूल आते हैं जैसे कि ब्लू, पिंक और भी कई रंग। तो ये भी एक पौधा आप ज़रूर अपने गार्डन में उगा सकते हैं जहां बालकनी में कम धूप आती है। और हाँ, इसमें पानी का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं चलती। अगर इसे कम पानी मिले तो भी ये पौधा 2 से 3 दिनों में मर जाता है और ओवर वाटरिंग हो जाए तो इसकी जड़ें सड़ जाती है। तो पानी का भी इसमें विशेष ध्यान रखना है। अगला पौधा कम धूप में लगा सकते हैं और वो है कैमेलिया का।
कैमेलिया के भी बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। ये पौधा भी ठंडे प्रदेशों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कैमेलिया को भी हम धूप, सुबह की धूप में 3 से 4 घंटे की धूप दे सकते हैं। जब विंटर शुरू हो जाए, जैसे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इसे पूरे दिन की धूप दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लगा सकते हैं इम्पेशंस। इम्पेशंस के फूल विंटर सीजन में खिलते हैं। इम्पेशंस के पौधे को सितंबर अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। इम्पेशंस के भी कई रंग के फूल आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे रंग के फूल आते हैं, जैसे कि सफ़ेद, गुलाबी, लाल और भी रंग। इम्पेशंस को सुबह की धूप चाहिए 2 से 3 घंटे की। इसे बिल्कुल फुल सनलाइट में नहीं रखना है। इम्पेशंस में अगर ढेर सारे फ्लावर लेने हैं तो आप इसे नवंबर तक ट्रिम करते रहिए, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आएगी और ढेर सारे फूल फरवरी में खिलेंगे। आप इसे नर्सरी से भी खरीद सकते हैं या कटिंग कहीं मिल जाए तो कटिंग से भी उगा सकते हैं। अगला पौधा आप लगा सकते हैं फुशिया का। इसे डांसिंग डॉल या झुमका बेल भी कहते हैं। फुशिया के फूल भी बहुत ही प्यारे रंग के होते हैं। ये बाय कलर में आते हैं, मतलब एक ही फूल में 2 रंग होते हैं। हमेशा ये पौधा ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन गर्मियों में अगर हम इसे थोड़ा केयर करें और उसे थोड़ी प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करें तो ये पौधा कई सालों तक चलता है। हाँ, इसे सुबह की 3 से 4 घंटे की या शाम के 3 से 4 घंटे की धूप मिले तो भी ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता है और अच्छे फूल खिलाता है। आप इसे पूरब या पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं। इसे हम कटिंग द्वारा भी उगा सकते हैं। इसकी कटिंग अगस्त सितंबर में लगा सकते हैं। इसकी कटिंग को हम पानी या फिर मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा आप लगा सकते हैं तोरेनिया का। तोरेनिया को विशबोन के नाम से भी जाना जाता है। विशबोन पौधे की भी बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों में फूल आते हैं, ब्लू, पिंक और भी दूसरे रंग। हम इसे पिंच करते रहे तो बहुत सारी ब्रांचेस बनती है और ये पौधा बुशी होकर बहुत सारे फूल खिलाता है। और अच्छे फूल खिलाने के लिए इसे और सुबह की 3 से 4 घंटे की धूप मिले तो बहुत ही खूबसूरत फूल खिलाता है। दोपहर की धूप से इसे बचाएं तो जिनको लगता है मेरी बालकनी में धूप बहुत कम आती है लेकिन फिर भी फ्लावर्स चाहिए, तो ये पौधा वे लोग ज़रूर ज़रूर लगा सकते हैं। अगला पौधा आप ग्रो कर सकते हैं पॉइनसेटिया का। ये पौधा भी ठंडी के दिनों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये ठंडे प्रदेशों में बहुत ही अच्छा चलता है। पॉइनसेटिया की बहुत ही प्यारे प्यारे अलग रंगों में फूल खिलते हैं। इसमें ऑरेंज, येलो, वाइट, पिंक, रेड और वेरीगेटेड में मिक्स कलर भी आते हैं। फूल इसके नवंबर से फरवरी मार्च तक खिलते हैं। फूल इसका सेंटर में होता है और आजू बाजू इसकी पत्तियां रंग बदलने लगती है। विंटर्स में जो भी इसका रंग है वो खिलकर आता है उन पत्तियों में, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। ये पौधे आपको नर्सरी में मिल जाएंगे अलग अलग रंगों में, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। पॉइनसेटिया को हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पॉइनसेटिया परमानेंट पौधा है, सिर्फ फ्लावरिंग ये विंटर सीजन में करता है। अब बात करें इसके सनलाइट की, तो इसे सुबह की 1 घंटे की धूप मिले तो भी इसके लिए काफ़ी है, और अप्रैल में जून की चिलचिलाती धूप में तो बिल्कुल नहीं रखना है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन बातों का ध्यान रखें तो आपके यहाँ ये पौधा सालों साल चलेगा। तो आपके यहाँ बहुत कम धूप आती है तो ये पौधा भी आप ज़रूर से लगा सकते हैं या नर्सरी से ला सकते हैं। अगला पौधा आप लगा सकते हैं एंथूरियम का। ये पौधे आपको नर्सरी में मिल सकते हैं। विंटर्स में बहुत ही प्यारे रंग के फूल खिलते हैं। पत्तियों की शेप में फूल आता है और रंग इसके लाल, गुलाबी आते हैं। एंथूरियम इंडोर प्लांट है, लेकिन आप इसे आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसे बहुत ही कम धूप मिले। सुबह की 1 घंटे की धूप मिले तो भी इसके लिए काफ़ी है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि अगर
आपकी बालकनी में बहुत कम धूप आती है, तो हम कौन कौन से पौधे विंटर्स में लगा सकते हैं जिससे हमें फूल भी मिल सके? इनके अलावा और कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा पहुंचे। और अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।